एक और जहां रीवा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में हमेशा ही अव्वल रहता है, ऐसे में अजब गजब शिकायतों के मामले भी आए दिन सामने आ रहे हैं। एक बार फिर अलग शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से एक शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी की डिमांड की है, तो वहीं दूसरे ने विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की है। मध्य प्रदेश में लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने के लिए सरकार ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत की थी। इस सुविधा के कारण आज तक कई लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। रीवा जिले के सीएम हेल्पलाइन में कुछ ऐसी शिकायतें दर्ज हुई हैं जो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। इनमें से एक शिकायत त्योथर तहसील के जिनेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति ने की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी की डिमांड की है। इस शिकायत को बंद कराने के लिए प्रशासनिक अमला परेशान हो रहा है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 में फोन करके मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के विनोद मिश्रा ने अपनी अलग ही डिमांड जाहिर की है। उन्होंने अपने इलाके की समस्याओं का जिक्र करते हुए खुद के लिए विधानसभा चुनाव की टिकट मांग ली है। रायपुर के करचू लियान में रहने वाले सुरेंद्र शुक्ला ने अपनी शिकायत में प्रधानमंत्री महोदय से जांच टीम का गठन करने की मांग की है, जिससे लोगों तक पहुंच रही शासन की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा सके। आखिर इन सभी शिकायतों के मामले को लेकर रीवा अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का क्या कहना है, सुनिए। जी देखिए, सामान्य रूप से सीएम हेल्पलाइन में हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को रखता है और अपने जो कष्ट हैं या जो मांग शासन से है या किसी योजना का पात्रता वो रखता है, हितग्राही है, तो उसके संबंध में मांग करता है। लेकिन कई लोग विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी करते हैं, जैसा कि आप लोगों के माध्यम संज्ञान में आया है कि कोई टिकट के लिए शिकायत किया है, कुछ लोगों ने सेल्फी वगैरह जनप्रतिनिधिगणों के साथ में या पीएम सर आदि के लिए मांगा है, तो ये उनकी मांग है। लेकिन इसमें से जो जिनाइन हैं, जो हमारे स्तर की हैं, जिला स्तर की शिकायतें हैं या जनपद की तहसील की शिकायतें हैं, जिन पर हमारे स्तर से कार्रवाई होना है, उन सभी पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ऐसी शिकायतें जो अन्य विभागों से संबंधित हैं या इस तरह की विविध प्रकार की जो शिकायतें हैं, उनको संबंधितों को भेजते हैं और प्रयास यही रहता है कि अधिकतम शिकायतों पर कार्रवाई हो। ऐसी शिकायतें क्योंकि कुछ व्यक्तिगत हो सकती हैं, जिनके कि आप लोगों ने बताया है, तो इनके संदर्भ में भी जो यथाउचित होगा वो कार्रवाई होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।